नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। दोस्तों फिलहाल अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ERC-20 टोकेंस को लेकर। और दोस्तों एक बग सामने आई है यहाँ पर जो कि जुड़ी हुई है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और इसको नाम दिया जा रहा है बैच ओवरफ्लो का। बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो जुड़ी हुई है ओवरफ्लो के साथ ही। खैर इसके बारे में अभी हम दोस्तों बाद में बात करेंगे यहाँ पर। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंजेस ने अभी ERC-20 टोकन्स को सस्पेंड कर दिया है। जो भी यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉल्स के ऑप्शंस थे उसको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है, उसको यहाँ पर टेम्प्रोरली अभी रोक दिया गया है। और दोस्तों एक और नाम सामने आया था चेंजली का, और दोस्तों एक और अपडेट मेरे पास आया था जिसमें यहाँ पर कुछ और भी एक्सचेंजेस के नाम सामने आए, जैसे कि पोलोनिक्स हो गया, हिट BTC हो गया। इन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट किया हुआ है और बता रहे हैं कि भाई अभी हम रिव्यू करने में लगे हुए हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो यहाँ पर इशूज़ हैं, और तब तक के लिए हम यहाँ पर जो भी डिपॉजिट और विड्रॉल्स के ऑप्शंस थे उसको भी सस्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ बातें फिलहाल यहाँ पर चल रही है। अभी दोस्तों यहाँ पर जो मेन इशू सामने आया है वो ये है कि यहाँ पर अटैकर जनरेट कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ टोकेंस और उसको किसी पर्टिकुलर एक एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए उन्हें यहाँ पर कोई पेमेंट वगैरह भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो जितने भी चाहें टोकेंस यहाँ पर बना सकते हैं और सेंड कर सकते हैं किसी भी एड्रेस पर। तो ऐसी कुछ यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं। और दोस्तों वैसे यहाँ पर एक पोस्ट भी हुआ था इसी से जुड़ा हुआ अप्रैल 23 के आसपास मीडियम में। और दोस्तों यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि इन लोगों ने ऐसा कुछ एक सिस्टम डेवलप कर लिया है जिसके थ्रू यहाँ पर ये लोग स्कैन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं ERC-20 टोकन्स में, जो भी ट्रांसफ़र वगैरह किए जाते हैं। और अगर यहाँ पर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन पाया जा सकता है तो इनको यहाँ पर एक अलार्म ट्रिगर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। और दोस्तों ऐसा कुछ हुआ भी 22 अप्रैल के आसपास जब यहाँ पर BSC टोकन में ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन सामने आया। तो इन लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि यहाँ पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड्स हैं उसको यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि भाई कैसा क्या सामने आ रहा है। और यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम सामने आई वो आई ओवरफ्लो को लेकर, इंटीजर ओवरफ्लो को लेकर। अभी आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो पैरामीटर यहाँ पर पास किया जा रहा है इस फंक्शन में, इसी वेरिएबल को दोस्तों यहाँ पर मैनिपुलेट किया जा सकता था, इंजेक्ट किया जा सकता था और इसको यहाँ पर फिलहाल स्टोर किया जा रहा था इसमें। दोस्तों इसी लाइन पर यहाँ पर ओवरफ्लो हो रही है वैल्यू, और फाइनली दोस्तों क्या होता था कि जो आपकी मैनिपुलेटेड वैल्यू है वो ऐड करा दी जाती थी बैलेंस में, मतलब आपके यहाँ पर कोई पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर जा रहा है आपका टोकन का वो यहाँ पर आपके सीधे बैलेंस में जाके जुड़ जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की बग सामने आ रही थी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और अटैकर ने दोस्तों यहाँ पर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। और दोस्तों इसी प्रॉब्लम के यहाँ पर OKX ने देखा और फिलहाल यहाँ पर जो भी डिपॉजिट और विड्रॉल्स वगैरह हैं बंद कर दिए हैं टेम्प्रेरली, और यहाँ पर रिव्यू करने के लिए बोल भी दिया गया है टीम को। और जब तक यहाँ पर सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो जाती तब तक ये लोग यहाँ पर से दोबारा लिस्ट नहीं करेंगे। तो देखते हैं पर ये लोग कब तक सारी चीज़ें रिजॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये दोबारा से लिस्ट करेंगे। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए इन लोगों ने जो भी डिपॉजिट और विड्रॉल्स वगैरह हैं वो अभी सस्पेंड कर दिए हैं। और दोस्तों आपको अगर याद हो कि हमने यहाँ पर कल वाली न्यूज़ पे ही हमने एक अपडेट शेयर किया था, कल दोपहर पर यहाँ पर शेयर किया था कि माईथर वैलेट में भी यहाँ पर कुछ इशू हुआ था ERC-20 टोकन्स को लेकर। कुछ लोगों का दोस्तों मानना है कि इसी से यहाँ पर जुड़ा हुआ था, लेकिन कोड्स को देख के दोस्तों ऐसा लगता नहीं कि इससे यहाँ पर जुड़ा हुआ इशू है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम सामने आई थी वो आई थी DNS अटैक को लेकर। और गूगल वगैरह में यहाँ पर जो एक कैशे बन रहा था वो एक रॉन्ग IP पर सेंड कर रहा था, तो ऐसा देख के लगता नहीं कि इससे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। खैर दोस्तों अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कब यहाँ पर दोबारा से जो टोकन्स यहाँ पर लिस्ट करा लिए जाते हैं, कब ये प्रॉब्लम पूरी रिजॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों ये था अभी का पूरा अपडेट, और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और जो भी अपडेट्स होंगे इस बारे में आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नए अपडेट्स के साथ।